हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स रहेंगे आपके जैन से जुलाई तक, ठीक है। तो ये आपके लास्ट 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए आपको तो पता ही है इम्पॉर्टेंट है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे? तो ये मनाया जाता है 6th of Jan को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी थीम क्या थी इस बार की? स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें अवेयरनेस लानी है अबाउट द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन। प्लाइट मतलब दुख, ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कन्फ्लिक्ट। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इस बार का थीम भी ये था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, द सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वोवन साड़ीज ऑफ इंडियन बिगिन एट हैंडलूम हार्ट जनपद न्यू दिल्ली। दिस फेज इज बींग ऑर्गेनाइज बाई विच मिनिस्ट्री। तो देखिए, इसमें साड़ी फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री की बात की होगी इसमें? तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज चेयर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इन न्यू दिल्ली। तो किसने चेयर की है ये मीटिंग? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इन्होंने इस मीटिंग में मेंशन किया था 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200 बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया था। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये किसके फाउंडर हैं? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका दूसरा नाम क्या है, रियल नेम? तो वो है दूसरा नाम मूल शंकर, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द गान नगाई फेस्टिवल ऑफ जिलियंग्रोंग कम्युनिटी हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करें मणिपुर की, तो इसकी कैपिटल है इम्फाल, CM है इसके बीरेन सिंह, गवर्नर है इसके ला गणेशन। अदर फेस्टिवल्स देखें मणिपुर के, तो ये हैं आपके संघाई फेस्टिवल, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल, शुरुए लीली फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द CM रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो ये की गई है कहाँ? आपकी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये प्रोवाइड करवाएंगे फ्री प्लॉट्स किन्हें, जो पुअर लोग हैं और जो कहाँ पे रहते हैं, गांव वाले एरिया में, ताकि वे अपने घर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली। तो किसके साथ इन्होंने पार्टनर किया है पार्टनरशिप? तो ये की है HDFC के साथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। HDFC की बात करें, इसको फाउंड किया गया है 94 में। इसके फाउंडर हैं हसमुख भाई परेख, हेडक्वार्टर हैं इसके मुंबई महाराष्ट्र, MD हैं इसके शशिधर जगदीशन, टैगलाइन है इसके वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंधन बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन। तो इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, जहां बंधन वहां ट्रस्ट? तो ये थे सौरभ गांगुली। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बंधन बैंक की बात करें, तो इसे फाउंड किया गया है 2001 में। फाउंडर हैं इसके चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता, MD है इसके चंद्रशेखर घोष, चेयरपर्सन है इसके अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर अ लाइफ। तो इसके ऑथर हैं शशि थरूर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ भारत पे। इंटरिम का मतलब होता है टेम्प्ररी, तो इस टाइम पे है नलिन नेगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
Next question is, which state has won the UN Habitat World Habitat Award 2023 for Jag Mission, a 5T initiative of the state? तो ये किसको दिया गया है अवार्ड? ओडिशा स्टेट को. जग मिशन इज द लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम. इसका एम क्या था? एम्पावर करना किन लोगों को? जो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं. 2019 में ओडिशा जग मिशन रिसीव्ड वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट सक्सेस इन प्रोवाइडिंग लैंड टेन्योर सिक्योरिटी टू स्लम ड्वेलर्स. तो इन्हें 2019 में इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 11 इज, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. तो ये मनाया जाता है आपका 4th of Jan को. ये क्यों मनाया जाता है 4th of Jan को? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुईस ब्रेल की, जो कि इन्वेंटर है ब्रेल के. तो ब्रेल बेसिकली है क्या? जो लोग विजुअली डिसेबल हैं उनको पढ़ने के लिए वो मदद देता है. तो एक तरह की डिवाइस है. ठीक है, लुईस ब्रेल वॉज बोर्न ऑन 4 Jan 1809. कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? नॉर्दर्न फ्रांस में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा. वट डज द एस स्टैंड फॉर इन स्मार्ट? तो एस की क्या फुल फॉर्म है इसमें? तो वे है स्कोप. पूरे एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ताकि ये बूस्ट कर सके साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज. किसके थ्रू? आयुर्वेद कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स. तो ये यूज़ करेंगे आयुर्वेदा का. ठीक है, कहाँ पे? कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 108 इंडियन साइंस कांग्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो देखिए, 108 थी ये इंडियन साइंस कांग्रेस. आपको इसका नंबर पता होना चाहिए. पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है. इसको इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने. इसकी थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट. फर्स्ट सेशन इसका हुआ था 1914 में, और जो इस बार का सेशन था, जो कि 108 सेशन था, ये देखने को मिला था कहाँ पे आपको? तो ये देखने को मिला था नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 74. शी वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट. तो ये थी गुजरात की पहली चीफ सेक्रेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रिसेंटली. तो ये किसने की है इनोग्रेट? केरला के सीएम ने. केरला के सीएम कौन है? पिन्नराई विजयन ने इनोग्रेट की है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस एट कहाँ पे आपकी? कन्नूर, केरला के अंदर. द ईयर 2023 इज बींग ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ. तो कौन सा मनाया जा रहा है ये? तो ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स की बात करें तो ये आपकी किस कौन सी फसल में आती है? खरीफ सीजन में. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है, इसलिए इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इसको लेके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनोग्रेटेड मेगा डेयरी एट मांड्या इन कर्नाटका रिसेंटली. तो ये किसने की है इनोग्रेट? तो ये की है अमित शाह ने. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. तो देखिए, जो ये डेयरी है ये प्रोड्यूस करेगी आपके 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे. एक दिन में इतना दूध ये प्रोड्यूस करेगी. और इसकी कैपेसिटी कहाँ तक बोली है इंक्रीज करने को 14 लाख लीटर पर डे. ठीक है, और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को कौन हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करेंगे अमूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन फिट्स वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप इन अल्माटी. अल्माटी कहाँ पे है? कजाकिस्तान में. तो ये है आपकी कोनेरू हम्पी. तो इन्होंने जीता है इंडिया का पहला सिल्वर मेडल. किसमें? आपका वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप में. कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अस्ताना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
असम वैभव फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो किन्हें असम वैभव अवार्ड से नवाजा गया है, और जो असम वैभव अवार्ड है ये असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को, क्योंकि इन्होंने किस में की है मदद, कैंसर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा असम सौरभ जो है ये आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और असम गौरव ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका असम वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वेमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो कौन सी पहली महिला को किया गया है वहाँ पर डिप्लॉय? तो ये हैं आपकी कैप्टन शिवा चौहान। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 इज, विच आईआईटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद डीआरडीओ टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो डीआरडीओ ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी मद्रास के साथ। डीआरडीओ की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में। प्रेजिडेंट है इसके समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड टू प्रोग्राम्स नेम्ड दिदिर सुरक्षा कवच एंड दिदिर दूत अहेड ऑफ 2023 पंचायत पोल्स। तो ये जो दो प्रोग्राम हैं ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। तो जो ये प्रोग्राम है ये किस पे फोकस करेगा? तो इट विल फोकस ऑन 15 स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कवर करेगी आपकी कौन कौन से सेक्टर को, फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिदिर दूत जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड फॉर पीपल टू, और इस एप्लीकेशन के थ्रू जो लोग हैं वह रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय इलेक्शन कमीशन। तो ये हैं आपकी बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेन ऑफ ऑनर। इट इज़ द अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री का अवार्ड है ये जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिया गया है? तो ये है फ्रांस का। पीएम मोदी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिसीव दिस ऑनर। पीएम मोदी इज चीफ गेस्ट एट बेस्टील डे परेड ऑन 14 जुलाई 2023 इन विच अ कंटिजेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज फ्रॉम द थ्री सर्विसेज इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो ये पीएम मोदी जो हैं ये पहले इंडियन पीएम हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और पीएम मोदी जी चीफ गेस्ट भी थे बेस्टील डे परेड के, जो कि फ्रांस में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है बेस्टील डे परेड, तो वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट एज पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? तो ये था इस पे रैंक आपका 80। सिंगापुर पासपोर्ट हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश सीएम इन जुलाई 2023? तो टाइटल क्या था उस बुक का? तो वे था राग प्रकाश। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रिलीज्ड अ बुक टाइटल राग प्रकाश, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर ओम प्रकाश कोल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरेला फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बुक बताई गई है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोड ऑफ रेनबो। तो इसके ऑथर हैं विनोद मनकरा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमिक कॉन इंडिया फ्रॉम 17 to 18 February 2024? तो ये होस्ट किया था चेन्नई ने। चेन्नई कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तमिलनाडु की। इस इवेंट के अंदर क्या था? इट शोकेस अ रेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स, आर्टिस्ट एंड इंडस्ट्री फिगर्स वाइल इमर्सिंग फैंस इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉमिक्स एम एंड थिंग्स पॉप कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये कौन सी स्टेट की स्कीम है?
तो ये है आपकी कौन से स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। यूपी की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। जैसे कि इसमें बताया गया है किसकी सुरक्षा की गई है, खेत सुरक्षा। अंडर दिस स्कीम अ सोलर फेंस विद द करंट फ्लो ऑफ ओनली 12 वोल्ट्स विल बी इंस्टॉल्ड, ताकि हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके किससे, एनिमल से, ठीक है। और जो ये आपका सोलर फेंस लगाया गया है ये जस्ट माइल्ड शॉक देगा एनिमल्स को, जिससे कि एनिमल्स को सिर्फ शॉक लगेगा, उनकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस इन बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एंड अकेडमी बिल्ट बींग बिल्ट टू प्रमोट स्पोर्ट, तो ये आपका बनाया गया है राजगीर में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बिहार हैज़ बिकम द सिक्स स्टेट आफ्टर गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु एंड राजस्थान टू सेटअप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सिक्स स्टेट बना है जिन्होंने सेटअप की है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसीव्ड द चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड, तो ये दिया गया है डॉक्टर अमी बेरा को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट इनटू ऑर्बिट, तो ये किसने बनाया है, आप चाइना ने। चाइना की कैपिटल क्या है, तो वे है बीजिंग। तो ये लॉन्च किया, तो ये है आपका रॉकेट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम द ज्वेंकिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। हु हैज़ इनोग्रेटेड द इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम सेक्टर इन इंडिया, तो ये किसने इनोग्रेट किया है, तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये हेल्प करेगा नाविकों की किस चीज़ में नेविगेट सेफली, ताकि वह नेविगेट कर सके सेफली, और इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा किस चीज़ का रिस्क ऑफ कोलिजन, अगर कोई चीज़ टक्कर ना खाए किसी चीज़ से, ग्राउंडिंग एंड एक्सीडेंट्स इन पोर्ट एंड हार्बर एरियाज। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त ऐप इन सिंक विद विजन ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, तो ये किया है J&K ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हु बिकेम द फर्स्ट अनसेडेड विम्बलडन वीमेन सिंगल चैम्पियनशिप, तो ये है आपकी मार्केटा वोंड्रुसोवा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द फोर्थ एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेजिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, तो ये आपकी जो मीटिंग हुई थी फोर्थ एनर्जी ट्रांजिशन, ये देखने को मिली थी गोवा में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो पहली हुई थी ये हुई थी बेंगलुरु में, सेकंड हुई थी आपकी गांधीनगर गुजरात में, थर्ड हुई थी आपकी मुंबई महाराष्ट्र में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गज कोथा एलिफेंट टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, तो ये कौन सी गजह कोठा किसने की है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च, ताकि ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ना हो, तो ये की है असम ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिन अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, तो किसे दिया गया है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हु विल लीड 5 मेंबर इंडियन कंटिजेंट एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन रियाद सऊदी अरेबिया फ्रॉम September 4 to 17, तो कौन लीड करेगा उनको, तो वे करेंगी मीराबाई चानू, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हु सरपास्ड हरभजन सिंह टू बिकम द सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो किसने किया है इन्हें सरपास, तो ये किया है रविचंद्रन अश्विन ने, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अश्विन हैज़ 709 विकेट्स इन 271 इंटरनेशनल मैचेस। इंडियाज बेस्ट बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज अनिल कुंबले हु हैज़ टेकन 953 इन 401 मैचेस। हरभजन हैज़ नाउ स्लिप्ड टू थर्ड पोजिशन विद 707 विकेट्स इन 365 मैचेस। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट,
तो ये की है किसने लॉन्च? हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसकी कैपिटल है शिमला समर में, धर्मशाला विंटर में। सीएम है इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम है इसके मुकेश अग्निहोत्री, गवर्नर है इसके शिव प्रताप शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन टू लीड द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द 63 हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल बैंक? तो कौन करेंगी? तो ये हैं आपकी मिशेल बुलॉक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है इसकी डॉलर, प्रेसिडेंट है इसके एंथनी एल्बनीज। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो ये हैं मनोज यादव। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? तो ये हैं निवृत्ति राय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। राकेश पाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये बने हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023? तो ये जीता है थलपिल प्रदीप ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्यों दिया गया है इन्हें? तो ये दिया गया है फॉर हिज वर्क ऑन सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल्स, ताकि रिमूव किया जाए टॉक्सिक कंटामिनेंट्स कहाँ से? पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीनियर कांग्रेस लीडर ओमेन चांडी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट के CM थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड? तो ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इंडियाज जम कैपिटल सूरत इन गुजरात हैज़ सरपास्ड द US टू होस्ट द लार्जेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो आपको ये लार्जेस्ट बिल्डिंग देखने को मिलती थी वो US में थी, लेकिन अब इंडिया ने उसको सरपास कर दिया है और अब आपको देखने को मिलेगी इंडिया में, सूरत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन? तो ये तो आप सभी को पता होगा ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इन विच सिटी अंडर स्किल इंडिया मिशन? तो ये देखने को मिला था कहाँ पे? उधमपुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग मासेकर की बात करें तो इसमें अक्सर पूछा जाता है आपको किसके बारे में? रेजिनल्ड डायर और माइकल ओ डायर के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो ये आप मुझे इस बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जलियांवाला बाग मासेकर के टाइम पे रेजिनल्ड डायर के पास कौन सा पोर्टफोलियो था और माइकल ओ डायर कौन थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेम्ड गोंड पेंटिंग हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस GI टैग। गोंड पेंटिंग इज पेंटिंग ऑफ विच स्टेट? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बाकी देखें, ये आपके नगरी दुबराज राइस, इनको GI टैग दिया गया है। तो ये आपके हैं गुजरात छत्तीसगढ़। मोरेना एंड रेवा मैंगो को भी GI टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश। कांगड़ा टी आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना में। रक्त से कार्पो एप्रिकोट लद्दाख में। गमोचा असम में। तो ये सबको दिया गया है GI टैग में, और आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ न्यू एरिया वेयर फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन टाइगर सेंसस इन द कंट्री। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें, कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर गिवन भारत रत्न, इन्हें कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1990 में। 132 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज ऑब्जर्व टूडे। ही वॉज बोर्न ऑन April 14, 1891। कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? मोहम, जो कि आपका मध्य प्रदेश में। बी आर राव अम्बेडकर को दिया गया था भारत रत्न 1990 में। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वीमेन
20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये देखने को मिले थे जयपुर राजस्थान में। और थीम क्या थी, वीमेन लेड डेवलपमेंट, लेवरेज वीमेन अनटैप्ड पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड स्टे सेफ, तो ये की है किसने लॉन्च, व्हाट्सएप ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। हेनरिट इशिमे हैज़ क्लिंच्ड द ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023, और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं आपकी रवांडा से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मेन की बात करें तो 2023 जो दिया गया है मंथ अवार्ड, तो ये दिया गया है बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथू, अ बॉर्डर विलेज इन अंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो किसने लॉन्च किया है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रिसेंटली अरविंद केजरीवाल्स आम आदमी पार्टी हैज़ एलिवेटेड टू नेशनल पार्टी स्टेटस। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो आपने ये बताना है कि इंडिया के अंदर इस टाइम पे कितनी नेशनल पार्टीज हैं, तो वे हैं 6, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। द पार्टी इज़ करेंटली इन पावर इन 2 स्टेट्स, जो आपकी आम आदमी पार्टी है ये देखने को मिलेगी आपको दिल्ली एंड पंजाब में, और जो 6 पार्टीज हैं कौन कौन सी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, नेशनल पीपल पार्टी NPP, और एक है आपकी आम आदमी पार्टी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेटअप स्टेट ऑफ द आर्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर, तो किस गवर्नमेंट ने किया है ये बनाया है UP ने। देखिए जो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक आपको याद रखना है कि जो एशियन किंग वल्चर है इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो वे है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हम क्या कर सकें, जो आपके किंग वल्चर्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट कर सके इनकी पॉपुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी टू इंश्योर द लाइफ स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड विच एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे डोगरी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया है, तो ये है आपका पहला एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड इंटरनेशनल प्राइज 2023 इन स्टैटिस्टिक्स, ऑफन रेफर्ड एज नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये दिया गया है सी राधाकृष्णन राव को। राव इन हिज रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द बुलेटिन ऑफ कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी इन 1945, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं 3 फंडामेंटल रिजल्ट्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो ये होता है आपका 10 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है 10 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिच सैम्यूल इनकी, ठीक है। और थीम क्या है इस बार की, होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन द ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती अनवील्ड 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट सरंगपुर टेम्पल। सरंगपुर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कन्फर्ड बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन, तो ये दिया गया है डॉक्टर नित्य अब्राहम को। डॉक्टर अब्राहम इज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन। शी इज अमंग द ऑनरीज ऑफ 2023 यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक रैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा आपको क्राइम कहाँ देखने को मिलेंगे,
तो देखने को मिलेंगे आपको वेनेजुएला में। इंडिया का रैंक है 77। टर्की, जर्मनी एंड जापान वर अमंग द लिस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़। इनके रैंकिंग क्या है? 92, 100 एंड 135। टर्की की कैपिटल क्या है? तो ये है अंकारा। जर्मनी की क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जापान की क्या है? तो ये है आपकी टोक्यो। कोलकाता मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? तो कौन सी रिवर के अक्रॉस ये टनल बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हुगली रिवर के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खादी फेस्ट 23 हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली। तो ये देखने को मिला है मुंबई में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसे इनोग्रेट किया गया है जो आपके चेयरमैन हैं KBIC के मनोज कुमार जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉन्च्ड फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स रिसेंटली। तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड के द्वारा। ये इसलिए किया गया है ताकि वे डाटाबेस बना सकें माइग्रेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वन मैन हॉकी वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर। तो ये जीता है जर्मनी ने, और किसको हराया है इन्होंने? बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ अंडर 19 वेमेन T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया गया है 29 जैन को। बेसिकली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे ऑफ जैन एवरी ईयर। थीम क्या था इस बार का? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। डिजाइन इन विच ईयर? तो इसको डिज़ाइन किया गया था 1917 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड लास्ट ईयर रीनेम डैलिस आइकॉनिक राजपथ को क्या नाम दिया गया है? कर्तव्य पथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम? तो ये आपके आएंगे पेप्सिको फाउंडेशन एंड केयर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन मैन सबीर अली, ये इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। तो इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया है कौन से ईयर में? 1981 में। हु हैज़ वन द वेमेन सिंगल टाइटल बाई डिफीटिंग एलिना रेबेकिना इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023? तो ये आपका आंसर रहेगा अरेना सबलेका। तो इन्होंने जीता है ये टाइटल, और ये आपको बताए गए हैं मैन कैटेगरी, वेमेन कैटेगरी एंड डबल मैन डबल कैटेगरी। और इसे मैंने ट्रिक के माध्यम से करवाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके ये कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को। इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। मैनुएला रोका बोते हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल PM ऑफ विच कंट्री? तो ये बनी है आपकी इक्वेटोरियल गिनिया की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड विजिट इंडिया एयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली? तो ये आपके लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। टूरिज्म मिनिस्टर ऑल्सो अनवील द लोगो ऑफ कैंपेन विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द इमेज नमस्ते। जो ये कैंपेन थी इसने इनक्रेज किया ट्रैवल इन द कंट्री दैट करंटली होल्ड्स G20 प्रेजिडेंसी। रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया UK अचीवर ऑनर इन लंडन? तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलता है 2 फरवरी को। इस बार का थीम क्या है? इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो कि की गई है February 2, 1971 को अडॉप्ट कहाँ पे? ईरानियन सिटी रामसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? तो थीम कंट्री है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। वेयर वॉज द साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जैन 2023? तो ये देखने को मिली थी पुडुचेरी में। थीम क्या था? डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शांति भूषण पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये थे लॉ से रिलेटेड। वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज त्रिशक्री प्रहार? तो ये देखने को मिली थी वेस्ट बंगाल में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
who is the author of the book titled Poverty of Political Economy, How Economics Abandoned the Poor. तो इसके ऑथर कौन है? तो ये हैं मेघनाथ देसाई. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. यूनेस्को हैज़ डेसिग्नेटेड ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इट सिचुएटेड. तो यूनेस्को ने जो ओडेसा जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे घोषित किया है कि वह डेंजर में है. तो ये कौन सी कंट्री में है? तो ये आपको देखने को मिलेगी यूक्रेन में. यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945. हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस. डायरेक्टर जनरल हैं इसकी ऑड्रे ऑजले जो कि है फ्रांस से. मेंबर कंट्रीज हैं इसके 193. विच ऑफ द फॉरेन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट. तो समग्र शिक्षा अभियान कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी? तो ये की थी यूपी ने. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो ये मनाया जाता है आपका 23rd of June को. इस बार की थीम क्या थी? तो वे थी लेट्स मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. तो ये की है किसने? तो ये की है एस्टोनिया ने. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. एस्टोनिया की बात करें कैपिटल है इसकी तलिन. करेंसी है इसकी यूरो. ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी एस्टोनियन. प्राइम मिनिस्टर है इसके काजा कलेस. नंबर 91 इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो ये मनाया जाता है किस दिन? तो ये आता है आपका 23rd of June. इस बार का थीम था लेट्स मूव. विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. तो कौन सी पहली बनी है आपकी? तो ये बनी है आपकी एस्टोनिया. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. एस्टोनिया की बात करें कैपिटल है इसकी तालिन. करेंसी है इसकी यूरो. ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी एस्टोनियन. प्राइम मिनिस्टर है इसके काजा कैलेस. अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट. तो ये है आपका यूरोप. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. Who has been appointed as the new CEO of Unique Identification Authority of India? तो ये बने हैं आपके अमित अग्रवाल. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. इंडिया बीट विच कंट्री टू विन वीमेन एमर्जिंग एशिया कप 2023? तो कौन सी कंट्री को हराया है इंडिया ने? बांग्लादेश को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इन मसूरी उत्तराखंड. तो किसने लॉन्च की है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, महेंद्रनाथ पांडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फ्री पावर स्कीम नेम्ड गृह ज्योति स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स अ मंथ. तो ये की है कर्नाटका ने. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. स्वामीनाथन जनकेरमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ वेस्ट बैंक. तो इन्हें किया गया है डेप्टी गवर्नर नियुक्त RBI का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI की बात करें इसको फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1935 को. नेशनलाइज हुआ है ये 1949 में. हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र में. इसको सेटअप किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा. पहले गवर्नर थे सन ऑस्मन स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे. पहले इंडियन गवर्नर थे इसके CD देशमुख. और अभी एट प्रेजेंट 25th गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास. Who has been appointed as the first Muslim female federal judge in US history? तो ये किया गया है नुसरत चौधरी जी को अपॉइंट. क्वेश्चन नंबर 100 इज तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. Who has been awarded the first professor Kothapalli Jayashankar Award instituted by Bharat Jagruti? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आचार्य गोपी जी को. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.